और ये पूछते हैं कि आखिर ये असली अखाड़ा का लास्ट एपिसोड क्यों है। तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के। आज है एपिसोड नंबर 15 और अब रेसलमेनिया सुपरस्टार शेकअप सब कुछ खत्म हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कई सारी चीज़ें और रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। तो रोहित स्वागत है आपका इस शो में, क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है रेसलमेनिया के बाद? तो फाइनली रेसलमेनिया खत्म भी हो चुकी है, सुपरस्टार शेकअप भी हो चुका है जैसे कि आयुष ने कहा। और ये वाली वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर हम लोग सुपरस्टार शेकअप के बाद फॉलोआउट यहाँ पर क्या क्या था, कौन सुपरस्टार कहाँ आया, किसको ज़्यादा फायदा है, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ज़्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं और आयुष आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं और कैसे हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि रोहित ने आपको कहा सुपरस्टार शेकअप खत्म हो चुका है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो रोमन रेंज के बारे में हमें जानने को मिली कि वो अब स्मैकडाउन पे आ चुके हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, और उसके बाद केविन ओवेंस, न्यू डे, बाकी सब चीज़ें जो हमें देखने को मिली इस हफ्ते पूरी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस शो के रिगार्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 इंस्टाग्राम का हम इसी के साथ लेंगे जो कि आया है ट्रेंडी अर्श की तरफ से, और भी आप में से कई सारे लोगों ने पूछा था और ये पूछते है कि आखिर ये असली अखाड़ा का लास्ट एपिसोड क्यों है, बस क्या ये सीरीज अब यहाँ पे खत्म हो रही है। तो रोहित ने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी तो उसमें कुछ लिखा था कि ये लास्ट एपिसोड होने वाला है असली अखाड़ा में, तो मैं चाहूंगा रोहित कि आप एक बार लोगों को बता दें कि असली अखाड़ा के रिगार्डिंग क्या सीन चल रहा है और क्या अपडेट है इस शो को लेके। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था और उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी लिख दिया कि ये लास्ट एपिसोड होने वाला है असली अखाड़ा का, तो हाँ ये लास्ट एपिसोड होगा इस समय, असली अखाड़ा का ये एंड है। अब जब मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था मेरा मतलब ये था कि हम कुछ न्यू करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ थोड़ी सी अब कॉमन सी होती जा रही, मतलब मुझे कुछ अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मज़ा सा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ आपके लिए कुछ न्यू प्लान किया जाए। अभी हम आपसे यहाँ पर सजेशंस लेंगे, हम इसे ज़रूर आगे जाकर हमारी कोशिश, अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर रहा कि हम अगला कुछ नया कब लेकर आएंगे, लेकिन हमारी इसकी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे दिमाग में थोड़े से आइडियाज़ भी हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आप लोग भर दो कि आप कि अगर हम कुछ दोनों मिलकर आगे कुछ नया लाएं तो वो क्या हो सकता है, क्या हमें इंटरेस्टिंग करना चाहिए, मैं आपके ओपिनियन यहाँ पर जानना चाहूंगा। फिलहाल के लिए एंड है, हर एक अच्छी चीज का एंड होता है, और मैं चाहूंगा कि आयुष भी कुछ बोलें अगर वो बोलना चाहते हैं इसलिए खड़ा के एंड होने के बारे में या फाइनल एपिसोड के बारे में। तो गाइस मैं तो आपको ये बोलूंगा कि ये जो 15 एपिसोड की हमारी जर्नी थी ये ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस कोलैब को करने में क्योंकि ये सबसे पहला कोलैब था रेसलिंग कम्युनिटी में, और ये ऑब्वियसली हम एक अच्छे पॉइंट पे ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाना जो कि इसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बड़ी हो। तो जैसा कि रोहित ने कहा कमेंट्स में हमें बताएं अपने आइडियाज़ जितने भी हैं कि किस तरीके से आप हमको कोलैब में देखना चाहेंगे, या फिर WWE का कोई और तरीका जो आप चाहते हैं हम उसको उस तरीके से कवर करें। तो आपके पास जितने भी आइडियाज़ हैं आप उसको हमें दें और हम उन आइडियाज को सबको अच्छे से देखेंगे गाइस, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में एक नए कोलैब के साथ जो कि और भी बेटर हो हम उसको आपके पास लेकर आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का फाइनल एपिसोड गाइस, लाइक कर दें इस पे, उम्मीद करेंगे बहुत ज्यादा लाइक्स आप इस पे हमको सपोर्ट देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित यहाँ पे सुपरस्टार शेकअप की, तो सीधा सीधा मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, रॉ या स्मैकडाउन किसका ज्यादा फायदा हुआ सुपरस्टार शेकअप में? अब देखो आपके इस क्वेश्चन से पहले मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं पहले से इसका ही आंसर करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं ये देखूं कि पहले अगर हम सुपरस्टार शेकअप के पहले की बात करें तो रॉ पर ऑब्वियसली ज़्यादा स्टार पावर थी, स्मैकडाउन लाइव पर कम थी, लेकिन क्योंकि एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार, मेज जैसे सुपरस्टार आ चुके हैं रॉ पर, वहीं हम बात करें रॉ से तो वहाँ पर रोमन रेंस आ चुके हैं, फिन बैलर आ चुके हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सुपरस्टार शेकअप में जो ज़्यादा फायदा है वो ऑब्वियसली स्मैकडाउन लाइव को ही है, और WWE की मुझे लगता है यहाँ पर इंटेंशन यही थी कि स्मैकडाउन लाइव को बेटर करना है। लार्ड्स लेवन जो कि धमाका करे जा रहे हैं वो भी फाइनली अब स्मैकडाउन लाइव पर आए, तो कहूंगा सुपरस्टार शेकअप से फायदा तो यहां पर स्मैकडाउन लाइव का है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहूंगा कि ये वाला ब्रांड ऊपर हो गया, ये वाला नीचे हो गया है। मुझे लगता है जब फॉक्स नेटवर्क पर जाएगा स्मैकडाउन लाइव तो उसके बाद हम कुछ कहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यहां पर स्मैकडाउन लाइव का थोड़ा सा फायदा हुआ है, शायद आपको भी ये लग रहा है। बिल्कुल हाँ मुझे लगता है रोहित, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि सुपरस्टार शेकअप इस तरीके से होना चाहिए कि थोड़ा सा बैलेंस दोनों ब्रांड्स के बीच में रहेगा, क्योंकि WWE के पास इतना बड़ा रोस्टर है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे और दूसरा उसके सामने वीक दिखेगा। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या आपको बेस्ट मूव्स लगे, लेकिन अगर एक ऐसा पिक मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आपके लिए फेवरेट था जिसको आपको लगता है सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है WWE में, कौन था आपके हिसाब से वो एक ऐसा मूव? मुझे लगता है इस बात का आंसर आपको भी पता है, WWE यूनिवर्स को भी पता है, हमारी ऑडियंस को भी पता है, और वो है द बिग डॉग रोमन रेंस। एजे स्टाइल्स का भी नाम है, लेकिन फिर भी कंपेयर करूँ थोड़ा सा तो वर्ल्ड वाइड इस समय रोमन रेंस जब से वापस आए उनकी पॉपुलरिटी और ज़्यादा हुई है। अब भले ही हार्डकोर रेसलिंग फैंस थोड़े से शायद हो सकता है एजे स्टाइल्स की तरफ झुक जाए, लेकिन फिर भी एजे स्टाइल्स रोमन रेंस में बराबर ही रखूंगा, लेकिन रोमन रेंस शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर, आपको भी ये लग रहा है शायद?
बिल्कुल, मैं यहाँ पे अग्री इसलिए करूंगा क्योंकि एज स्टाइल्स को रॉ पे जाने से जितना रॉ को फायदा होता है उससे कई ज्यादा फायदा रोमन रेंस का स्मैकडाउन लाइव को होता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा पॉसिबल मूव था वो स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस का आना था। और रोहित, आखिरी क्वेश्चन सुपरस्टार शेकअप से रिगार्डिंग मेरा आपका यह है, क्या कोई ऐसी चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुपरस्टार शेकअप में हमें देखने को मिलेगी और वो WWE ने नहीं करी, क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपको लगता है कि इस पूरे शेकअप में मिसिंग रह गई? देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे माइंड में पहले से प्रिपेयर नहीं था, एकदम से मेरे दिमाग में आया और वो है मेरे फेवरेट सुपरस्टार रैंडी ओटन। मैं चाह रहा था कि रैंडी ओटन अब रॉ पर आ जाएं। रॉ पर आने का उनका एक अलग ही मज़ा होता, थोड़ा सा अगर हम कहें रॉ को भी स्टार पावर मिल जाती और ज़्यादा, क्योंकि रोमन रेंस एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स के बराबर हैं, स्पेशली इंडिया की बात करें तो। मैं एक रैंडी ओटन ही ऐसा मूव था जो कि मैं चाह रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। आपको क्या लग रहा है, रैंडी ऑर्टन आपके पिक होंगे? मुझे नहीं लग रहा। रैंडी ऑर्टन तो बिल्कुल सबको लग रहा था कि शायद वो रॉ पे चले जाएंगे, लेकिन रोहित एक नाम ऐसा समोआ जो जो कि मंडे नाइट रॉ पे जाने वाले थे और फिर मैं सुन रहा हूँ कि शायद वो बीमार पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से वो रॉ पे अपीयर नहीं हुए, और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि समोआ जो आ जाए मंडे नाइट रॉ पे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर समोआ जो की अपडेट क्या है, क्या वो रॉ पे जाने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो क्या सुपरस्टार शेकअप अभी भी अनऑफिशियली चल रहा है? देखो, ये लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई प्लान में। समोआ जो को रॉ पर ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि शायद वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसीलिए सुपरस्टार शेकअप में अभी सबको ये लग रहा है कि समोआ जो स्मैकडाउन पर ही है, लेकिन नेक्स्ट शो के एपिसोड का या फिर जब भी समोआ जो फिट होते हैं, मुझे लगता है समोआ जो पक्का पक्का आने वाले हैं रॉ पर। और क्योंकि दोनों मिडगार्ड चैंपियनशिप एक ही ब्रांड पर, मुझे नहीं लग रहा तो समोआ जो ही आ जाएंगे रॉ पर। ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि अब वो स्मैकडाउन पर ही बने हैं। लेकिन एक अजीब बात और यहाँ पे है कि रोहित, जो रॉ की पूरी लिस्ट WWE.com ने बताई थी रॉ शो के बाद, उसमें समोआ जो का नाम नहीं था, जबकि और ऐसे सुपरस्टार्स थे जो हमें रॉ पे देखने को नहीं मिले पर उनका रॉ में जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे हम सुपरस्टार शेकअप की तो कर चुके हैं बात, की किस तरीके से हमारे बेस्ट मूव्स थे, किस तरीके से हमारा उस पर ओपिनियन है, लेकिन अब हम करते हैं एक सिंगल मूव के बारे में बात, जो कि जैसा मैंने और रोहित ने यहाँ पे अग्री करा है कि रोमन रेंज जो स्मैकडाउन लाइव पर आए हैं वो सबसे बड़ा टेक था सुपरस्टार शेकअप का। रोहित, क्या आपके हिसाब से ये WWE का सही डिसीजन है या फिर नहीं? देखो, रोमन रेंस का स्मैकडाउन पर आना 110% मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। और अगर सुपरस्टार शेकअप में सच में रोमन रेंस नहीं जाते स्मैकडाउन लाइव में, तो मुझे लगता है शेकअप का कोई ज्यादा मतलब नहीं है एज स्टाइल्स के अलावा कि वो रॉ पर आए। कुछ हमें न्यू देखने को मिलना चाहिए था अगर रोमन रेंस नहीं आते तो, क्योंकि हर एक कंपनी का हर एक ब्रांड का ऐसा सुपरस्टार होता है जिसे देखकर फीलिंग आती है कि यार ये तो इस ब्रांड पर था उस ब्रांड पर था। तो अगर सच में सुपरस्टार शेकअप का पूरा यूज करना था तो मुझे लगा कि एज स्टाइल्स एंड रोमन रेंस बहुत ही अच्छे मूव है। और हाँ, मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस का आना बिल्कुल सही मूव था और सुपरस्टार शेकअप सक्सेसफुल भी है, मैं ये कहूंगा रोमन रेंस के स्मैकडाउन लाइव पर जाने के बाद। तो रोमन रेंस रोहित क्योंकि अब आ चुके हैं स्मैकडाउन लाइव पे, तो क्वेश्चन आखिर यहाँ पे आता है कि क्या स्मैकडाउन लाइव की जो रेटिंग्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कुछ समय से, क्योंकि एजे स्टाइल्स भी उतने अच्छे मैचेस या फ्यूड में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, कोई ऐसा टॉप सुपरस्टार नहीं था। तो क्या आपको लगता है रोमन रेंस के आने की वजह से क्या स्मैकडाउन को एक बड़ा फायदा होगा रेटिंग्स के लिए, और क्या इस वजह से स्मैकडाउन लाइव जो है वो ज़्यादा लोग देखनी शुरू करेंगे? अब देखो, ये बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट है कि अगर एक बड़ा सुपरस्टार आ रहा है तो क्या वो रेटिंग लेकर आएगा, चांसेस इसके बन जाते हैं, लेकिन बात तभी डिपेंड करती है कि उस सुपरस्टार को स्टोरलाइन कैसे मिल रही है। कुछ टाइम पहले देख लो, कोफी किंगस्टन कुछ भी कर रहे हैं वो रेटिंग्स नहीं ला सकते थे, लेकिन आज अगर वो WWE चैंपियन है तो उनके आने से रेटिंग्स बढ़ रही है। तो डिपेंड यहाँ पर सुपरस्टार के ऊपर भी करता है, उसकी बुकिंग के ऊपर भी करता है, लेकिन क्योंकि हम रोमन रेंस आए तो एटलीस्ट यहाँ पर एक चांस है स्मैकडाउन लाइव के पास रेटिंग्स अच्छी लाने का। और अगर स्मैकडाउन लाइव पर रोमन रेंस का अच्छा यूज होता है तो डेफिनेटली वो रेटिंग्स लाएंगे, और एटलीस्ट यहाँ पर कुछ हमारे पास एक डायरेक्शन या फिर एक तरीका मिला है WWE को कि वो कैसे रोमन रेंस का यूज करके स्मैकडाउन लाइव की रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली वो काफी अच्छा फायदा करवा सकते हैं स्मैकडाउन लाइव के लिए। तो स्मैकडाउन लाइव की तो रेटिंग्स आपने कहा कि बढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, और हमको लगता है कि द बिग डॉग रोमन रेंस को जो WWE है वो बुक करेगी किसी बढ़िया ही चीज में, लेकिन क्या रोमन रेंस के स्मैकडाउन लाइव पर जाने से क्या मंडे नाइट रॉ को कोई ऐसी दिक्कत होगी, क्या उनकी रेटिंग्स में और ज्यादा गिराव आ सकता है रोहित? क्योंकि रोमन रेंस एक काफी बड़ा नाम है और जब उनका रिटर्न हुआ था उनकी ल्यूकीमिया के बाद, तब रॉ की रेटिंग्स जो थी वो थोड़ी बहुत कुछ हद तक तो बढ़ गई थी रोमन के आने से। तो क्या अब रोमन के स्मैकडाउन पर जाने से किसी भी तरीके से क्या रॉ की रेटिंग्स को और ज्यादा इफेक्ट यहां पे होगा? बिल्कुल, ये बात तो यहाँ पर है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि रॉ सिर्फ देखते थे रोमन रेंस के लिए, अब अगर रोमन रेंस रॉ पर नहीं है तो हो सकता है वो सभी लोग स्विच हो जाएं स्मैकडाउन लाइव पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेटिंग्स भले ही घट सकती है, लेकिन डिपेंड यहाँ पर एजेस स्टाइल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ करता है। अगर मान लो एजेस स्टाइल्स कुछ कमाल ही कर रहे हैं, एजेस स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस हो गया, तो मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर रॉ की रेटिंग्स घटेंगी। सब देखो यार, यहाँ पर सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड तो करते हैं, लेकिन स्टोरलाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस सुपरस्टार को कैसे बुक कर रहे हैं। रोमन रेंस का जाना रॉ से बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर जो नए सुपरस्टार आए हैं रॉ पर अगर वो कुछ अच्छा करें तो मुझे लगता है रॉ की रेटिंग्स मेंटेन हो ही जाएंगी।
एक अच्छी बात यहाँ पे ये भी है रोहित की, रोमन रेंज क्योंकि अब स्मैकडाउन पे चले गए हैं, स्मैकडाउन 2 घंटे का शो है, तो अगर WWE बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है उस शो पे, अच्छी फ्यूड्स दिलाती है, तो शायद स्मैकडाउन बिल्कुल यहाँ पे होम रन या फिर हम कह सकते हैं छक्का मार सकती है रॉ के सामने। लेकिन क्या आपको लगता है विंस मैकमैन मंडे नाइट रॉ को अभी भी एज अ बी शो देख पाएंगे? देखो जहाँ पर बात आ गई पैसों की, अगर पैसे आ गए विंस मैकमैन के सामने, उन्हें पता है फॉक्स पर आने के बाद स्मैकडाउन लाइव से मुझे ज़्यादा कमाई हो रही है, तो भैया उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 25 साल रोने कर लिए 26 साल कर लिए, स्मैकडाउन आए कोई नया शो आ गया NXT आ गया, तो मुझे लग रहा है कि विंस मैकमैन उसके ऊपर भी अपनी सारी मनी लगा देंगे। तो विंस मैकमैन पर यहाँ पर एक बात यहाँ पे मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि फॉक्स का जो मूव है वो होने वाला है अक्टूबर में, और अभी हम हैं यहाँ पे अप्रैल में, क्या WWE अभी से उसके लिए प्रेपरेशन कर रही है? क्या हमें एक और सुपरस्टार शेकअप देखने को मिल सकता है फॉक्स के मूव से पहले? क्या रोहित आपको लगता है WWE अभी से इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है क्योंकि वो फॉक्स पे जाना चाहते हैं? क्या वो फॉक्स को दिखाना चाहते हैं कि स्मैकडाउन एक बड़ा शो है? देखो मुझे लगता है अब मैं इतना कुछ डील या बिजनेस में तो घुसूंगा नहीं कि मैं पहले से बता दूं ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉक्स भी तो एटलीस्ट कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा स्मैकडाउन लाइव से। ऐसा तो है नहीं कि वो चाह रहा है कि 10-15 दिन की उन्होंने स्मैकडाउन देख ली, रेटिंग्स देख ली और वो आ गए। मुझे लगता है किसी भी ब्रांड को, किसी भी शो को अच्छा बनाने के लिए पहले से चलना पड़ता है। लाइक रेसलमेनिया अगर हो रही है अप्रैल में, तो ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले से उसका बिल्ड तैयार हो रहा है, रॉयल रंबल से शुरू हो जाती चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि विंस मैकमैन शायद पहले से चीज़ों को प्लान करें, वो प्रिपेयर कर रहे हैं स्मैकडाउन लाइव को कि वो ए शो के लायक बन जाए। और सुपरस्टार शेकअप की बात रही कि क्या हमें बिल्कुल अक्टूबर में जाकर उससे पहले कोई सुपरस्टार इधर उधर आते हुए दिखाई देंगे, तो अगर विंस मैकमैन ने चाहा, उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो शायद वैसा कर भी दें। लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, होगा भी तो एक दो सुपरस्टार आएंगे, ऐसा में कोई बड़ा इवेंट टाइप का या फिर कोई ऐसा स्पेशल एडिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने गाइज आपको बताया कि क्या पॉसिबल हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन की तरफ से, क्योंकि रोमन रेंज अब आ चुके हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे इंस्टाग्राम के question 2 पे, जो कि आता है ऑफिशियल तंजीम की तरफ से, और रोहित ये सीधा सीधा पूछते हैं कि क्या रोमन रेंज की जो स्टोरी लाइन है वो क्या हो सकती है, और उसके बाद AJ स्टाइल्स की मंडे नाइट रॉ पे स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ सबसे पहली स्टोरी लाइन की, क्योंकि आगे तो हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो रोहित क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप रोमन रेंज और AJ स्टाइल्स की स्टोरी लाइन से? देखो सबसे पहले अगर मैं रोमन रेंज की बात करूं, तो उनके साथ तो सब कुछ हो जा रहा है, स्मैकडाउन लाइव पर एलायस के साथ, स्मैकडाउन लाइव के बाद रैंडी ओटन के साथ, ट्विटर पर कोफी किंगस्टन के साथ। तो देखो रोमन रेंज की गाड़ी तो इधर उधर भागे ही जा रही है, कभी उनको सेथ रॉलिंस के साथ टीज करते हैं अब तो वो होगा नहीं, कभी उन्हें टीज करते हैं किसी और के साथ। तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूज काफी ज्यादा चीजें करने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें शो की, तो फिलहाल एलायस के साथ उन्हें दिखाया गया था कुछ, तो क्या पता अगले शो में हमें एलायस के साथ उनका कुछ देखने को मिल जाए। तो यार यहाँ पर तो मैं कुछ भी अपनी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, आपको कन्फर्म कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछो कि मैं चाहता क्या हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि रोमन रेंज को थोड़ा सा भी धीरे बिल्ड किया जाए। अभी देखो आगे मनी इन द बैंक है, तो क्या पता उनके साथ कोई जादू हो जाए। और बात करें AJ स्टाइल्स की, तो यार AJ स्टाइल्स को तो मैं देखना चाहूंगा कि अभी वो सेथ रॉलिंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में आ जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी ऐसा होगा, क्योंकि शायद वो WWE समर स्लैम के पास करना चाहेगी। लेकिन यार AJ स्टाइल्स को कुछ क्लियर नहीं कह सकते अभी उनका क्या होगा, क्या पता आप क्या AJ स्टाइल्स को रोहित ऐसे एकदम से ही सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट लड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपने सही कहा समर स्लैम में हो सकता है मैच, लेकिन उसमें भी फिर किसी एक सुपरस्टार को हील और दूसरे को फेस होना पड़ेगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन AJ स्टाइल्स की मुझे जहां तक लगता है रोहित, पहली फ्यूड किसी बहुत बड़े हील सुपरस्टार के साथ होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा नाम है आपके दिमाग में रॉ से जिसकी फ्यूड हमें AJ के साथ देखने को मिल सकती है और वो बढ़िया हो? लगता है आपके दिमाग में पहले से ही आंसर है, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ड्रू मैकइंटायर है, अगर किसी बड़े हील सुपरस्टार की बात करें। और हाँ मेरे दिमाग में आनी मुझे बोलना चाहिए था, ड्रू मैकइंटायर और AJ स्टाइल्स एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है। तो अगर ड्रू मैकइंटायर और AJ स्टाइल्स की फ्यूड होती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आगे सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होगा? तो उसके लिए हमें एक और बड़ा हील नाम चाहिए होगा मंडे नाइट रॉ पे, शायद ढूंढने में मुश्किल होगी क्या? वैसे देखो अगर आप बात करो, तो स्मैकडाउन लाइव से अभी भी एंड्राडे आए हैं, और एंड्राडे ने हरा दिया था फिन बैलर को, तो क्या पता एंड्राडे वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ही देखने को मिल जाए। क्योंकि स्मैकडाउन लाइव पर आने से पहले एंड्राडे को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन जैसे उन्हें स्मैकडाउन लाइव पे बुक किया, उनकी जो पॉपुलैरिटी वो थोड़ी सी कम हो गई, तो लग रहा है रॉ पर आने के बाद क्या पता सेथ वर्सेस एंड्राडे हो जाए या फिर कोई और हील होगा, तो उस बारे में कह नहीं सकते कुछ। तो बिल्कुल अभी तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं, अभी सुपरस्टार शेकअप खत्म हुआ है, अगले रॉ और स्मैकडाउन में हमें मोस्टली आइडिया मिल जाना चाहिए कि सेथ रॉलिंस और आगे क्या होने वाला है AJ स्टाइल्स के साथ और या फिर रोमन रेंज के साथ, पूरी हमें स्टोरी लाइन के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा यहाँ पे आता है, जो कि हम फटाफट लेंगे स्मैकडाउन लाइव पे, काफ़ी एंटरटेनिंग सेगमेंट जो मुझे लगता है रोहित आपको भी काफ़ी पसंद आई होगी, केविन ओवेंस और न्यू डे के बीच में। बिग ई अब इंजर्ड हो चुके हैं और न्यू डे को ज्वाइन कर चुके हैं बिग ओ, यानी कि बिग ओवेंस। क्या ख्याल है आपके रोहित इस पे, और कैसी लगी आपको स्मैकडाउन की सेगमेंट?
देखो पहले तो मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि केविन ओवंस इतने बड़े वाले बेबी फेस हैं जब उन्होंने जब तक वो सेगमेंट में नहीं आए थे। मुझे लगा था थोड़े से वो रूट टाइप के होंगे, वैसे पता तो था कि इस बार वो फेस टाइप के हैं, लेकिन जो उन्होंने कमाल का सेगमेंट किया, जिस तरह से उन्होंने न्यू डे के मूव्स किए, वो नाचना गाना वो बहुत ही ज़्यादा फनी था, और जब उन्होंने सेलिब्रेट किया तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। मतलब उस सेगमेंट को देखने के बाद चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जो कि ज़्यादातर आते नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेगमेंट्स को देखते हुए, तो मज़ा काफ़ी आया उसे देखने में। और सवाल ये रहा कि आगे क्या होगा, तो आगे यार देखो बिगी अभी है नहीं, तो मुझे लग रहा है जस्ट बिगी के स्पॉट को फिल करने के लिए, क्योंकि न्यू डे को सोचते दिमाग में तीन कुछ आने लग जाते हैं, तीन बंदे, और लगता है तीन बंदे बनाने के लिए केविन ओवंस को डाला गया। और मुझे लगता है कि केविन ओवंस की बुकिंग वैसे भी पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती, तो काफी अच्छा मूव था, तो मजा काफी आया उस सेगमेंट। क्या आपको लगता है रोहित, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर कभी कोई सीधा तो सोचने की कोशिश करता नहीं है, हमेशा हम टेढ़ा ही सोचते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे क्या केविन ओवंस ने न्यू डे ज्वाइन करी है ताकि वो कॉफी पे हील टर्न कर सके और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का एक मैच उनको मिल सके, शायद मनी इन द बैंक में वो हमें देखने को मिल जाए। अब देखो सोचने को तो ये भी हो सकता है कि केविन ओवंस को डाला है इसलिए ताकि बिगी आकर एकदम गुस्सा कर दें, कहेंगे भैया तुमने मेरे जाने के बाद ये क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें मारूंगा, या क्या पता बिगी के हील टर्न को करने के लिए केविन ओवंस को डाला गया, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करना चाहूंगा, और मैं अभी नहीं चाहूंगा कि हील टर्न वगैरह किसी का कुछ हो, अभी मजे लो, क्या पता न्यू डे को चार जने मिलकर बना दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि सिंपल सा चलता रहेगा, या तो बिगी को चुल करने वाले आकर, या फिर केविन ओवंस हमें कोई बम फोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं न्यू डे के ऊपर। तो बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा, और क्यों ना केविन ओवंस को हम देखें एक महीना और ऐसे ही न्यू डे के साथ नाचते हुए, पैनकेक्स और सीरियल खाते हुए, तो काफ़ी मस्त लगेगा वो अगर केविन ओवंस ऐसे करेंगे। और गाइज ये हमारे सारे टॉपिक्स थे आज के इस, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट एपिसोड जो हम कर रहे हैं यहाँ पे असली अखाड़ा का, लेकिन उससे पहले कि हम इसे ख़त्म करें, आखिरी क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौरव पूछते हैं यहाँ पे हमसे कि जो WWE ये द शील्ड का फाइनल चैप्टर वाला इवेंट जो एडवर्टाइज कर रही है, इसी हफ्ते होने वाला है, इसी संडे को हम लोगों के लिए मंडे को, रोहित आखिर क्या है इवेंट, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको लगता है हमें यहाँ पे अपने व्यूअर्स को देनी चाहिए इस शो के रिगार्डिंग? तो देखो जब ये पहली बार अनाउंस हुआ मुझे तो समझ नहीं आया कि ये करने क्या वाले हैं, क्या ये कोई डॉक्यूमेंट्री है, क्या कोई पता नहीं क्या है, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब जो मुझे समझ में आया वो ये कि ये एक इवेंट है जहाँ पर हमें शील्ड का फाइनल मैच देखने को मिलेगा एक आखिरी बार। मतलब आखिरी बार तो WWE कब से कर रही है, लेकिन शायद अभी बिल्कुल ही आखिरी बार है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि शील्ड के अपोनेंट है कौन, तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये बता दूंगा कि एक इवेंट है यहाँ पर हमें शील्ड का आखिरी मैच देखने को मिलेगा, अपोनेंट कौन है वो मुझे नहीं पता, और अगर आप और अपडेट चाहते हैं तो भैया जुड़े रहो रेसल इंडिया और रेसल चैटर के साथ, आपको और भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चली जाएगा। तो बिल्कुल ये जो शील्ड का आखिरी मैच है WWE पहले भी कर चुकी है, फिर से होने वाला है, शायद दो साल बाद भी होगा, 2050 में भी हो सकता है, कितनी बार भी शील्ड का हमें आखिरी मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्साइटिंग उतना ही होगा जितना हमेशा होता है। तो गाइज ये हमारा आखिरी आज का एपिसोड 15 असली अखाड़ा, और हम उम्मीद करेंगे जैसा कि रोहित ने कहा आपको बहुत ही जल्द की और कोई ऐसी सीरीज आए आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग होता है ऐसे कोलैब करके साथ में वीडियोज़ बनाना। रोहित आखिरी बारी असली अखाड़ा हम यहाँ पे कर रहे हैं साइन ऑफ, तो क्या कहना चाहेंगे के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आगे देखने के लिए, जैसा कि हमने पहले तो बता ही दिया है, आपके फाइनल वर्ड्स क्या होंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो गाइज लास्ट एपिसोड है, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको बताना है आपके सारे सजेशन कि हम अगर कुछ नया लाने तो क्या होना चाहिए। रेसल इंडिया को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको मेरे चैनल को भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप लोग हमारे चैनल को भी कर सकते हैं सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे आपसे एक और नई कोलैब सीरीज में आपके नए आइडियाज के साथ।